श्री सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति चरोदा एकता मंच के द्वारा चरोदा बस्ती के दशहरा मैदान में हर्षोल्लास के साथ दशहरा उत्सव मनाया गया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता चरोदा निगम के महापौर निर्मल कोसरे ने की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में सभापति कृष्णा चंद्राकर, समाज सेवी सुखदेव सिंह सिद्धू, छत्तीसगढ़ भोजपुरी समाज के अध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह बैठा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल रहे। चरोदा एकता मंच के द्वारा दशहरा पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समिति के द्वारा 11वें वर्ष आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। श्री श्री सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के द्वारा जी रोड हनुमान मंदिर के पीछे मैदान में दशहरा पर्व का आयोजन किया गया था। आयोजन समिति के अध्यक्ष कृष्णा चंद्राकर और आयोजनकर्ता एस वेंकट रमन ने बताया कि 75 फीट के रावण का दहन इस बार किया गया है तथा कुछ हटके करने के लिए विशेष कारीगर काकीनाड़ा से बुलाए गए थे, जिन लोगों ने लगातार 3 घंटे तक आतिशबाजी कर आसमान को रंगीन कर दिया। साथ ही बिच्छू बम लोगों को डंक मार रहे थे। रावण दहन को देखने के लिए आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती रही। अब ये मैदान छोटा होने लगा है। आधे पब्लिक रोड पर ही खड़ी हुई थी, जिसके कारण रोड जाम की स्थिति बन गई। पुलिस और यातायात के जवानों ने मोर्चा संभाल कर काबू में किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रिमोट सिस्टम से रावण को अग्नि के हवाले किया। जय जय श्री राम। कुंभकर्ण के भी पुतला दहन करना है। बहुत शानदार भगवान राम के और शिव के बहुत सुंदर झांकी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। मैं आयोजन समिति के सभी साथियों को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। यह दशहरा उत्सव हर साल हम लोग रावण के बहुत ऊँची ऊँचे पुतला बनाते हैं, दहन करते हैं और पूरे परिवार के साथ शामिल होते हैं। ये इस बात का परिचायक है कि रावण बहुत बुद्धिमान था, प्रकांड विद्वान था, बहुत बड़ा भगवान शिव का भक्त भी था और लंका जो सोने का था ऐसा उनका राज, जिससे सभी लोग भय खाते थे, डरते थे, लेकिन उसके अंदर जो अहंकार था उस अहंकार के कारण से आज हजारों साल बीतने के बाद भी रावण कभी लोकप्रिय नहीं हो पाया। उसका कारण यही है कि रावण अहंकारी था, सीता जी का हरण किया था और इस कारण से वो निंदा के पात्र बने। तो आज हम सब इस पर्व पर ये पर्व यही संदेश देता है कि हम लोगों को हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना है, प्रकाश की ओर चलना है और हमेशा सबका सम्मान करना है। अहंकार कभी मन में ना हो, इस बात का ध्यान हम सब रखें। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष कृष्णा चंद्राकर, कार्यकारिणी अध्यक्ष डी विजय कुमार, एम माधव, मनोज डहरिया, टेनन ठाकरे, सुप्रीम बोरकर, सुजीत बघेल, राजीव कुलश्रेष्ठ, बी प्रसाद, सत्यनारायण अग्रवाल, राजमा कजा, भीमराव शेष बाबू, धार्मिक सिंह, मनोज वर्मा, जितेंद्र तिवारी सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शरण खरे की रिपोर्ट।